डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद द्वार में। बच्चों, क्लास फाइव का ये मैथ है और ये चैप्टर 18 है, एक्सरसाइज 83, पार्ट थ्री तक मैं इसका बना चुका हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 तक कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे मैंने टिक लगा कर रखा है, 51 तक कंप्लीट हो गया है। और इस पार्ट में हम लोग पार्ट फोर में 52 से लेकर आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। गिव टू प्राइम नंबर्स हुज सम इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। दो प्राइम नंबर को लेना है और उसको जोड़ने से हमें एक और प्राइम नंबर मिलेगा। इस तरह से हमें जोड़ना है, तो कौन से प्राइम नंबर को लिया जाए जिससे कि जोड़ने से हमें फिर से प्राइम नंबर मिलेगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर 52। तो इसका एक प्राइम नंबर ले लेते हैं हम लोग, 2 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 3। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो आ जाता है 5। तो ये क्या होता है, तो 5 भी जो है वो प्राइम नंबर है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 3। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, तो 53 में क्या कह रहा है, कैन द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स बी ए प्राइम नंबर। इसमें कह रहा है कि दो प्राइम नंबर को, ऑड प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर तो सभी ऑड ही होते हैं सिर्फ 2 को छोड़कर, तो 2 को लेना नहीं क्योंकि ये इवन है। और यहाँ जैसे बतला रहा है कि ऑड नंबर लेना है, 2 ऑड प्राइम नंबर लेना है और बी ए प्राइम नंबर, और उसको जोड़ने से सम मतलब जोड़ने से हमें प्राइम नंबर मिलना चाहिए, और सारे प्राइम नंबर जो होते हैं ऑड होते हैं। तो अगर हम दो ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो वो हमको इवन नंबर मिलेगा। इसका मतलब है कि ऑड नंबर तो मिलेगा नहीं, और जब ऑड नहीं मिलेगा तो प्राइम नंबर भी नहीं मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा 9। सिर्फ यहाँ पे हम इसको यहाँ सॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ सिर्फ 9 लिख देते हैं। इसका आंसर सिर्फ 9 हो जाएगा कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 54 में। तो 54 में क्या कह रहा है, इफ 5 लीटर्स ऑफ ऑयल कॉस्ट इतना, कि 5 लीटर तेल का कीमत इतना है, हाउ मच विल 9 लीटर्स ऑफ ऑयल कॉस्ट। तो फिर 9 लीटर तेल का कॉस्ट क्या होगा, उसका कीमत कितना होगा। तो सबसे पहले हम 1 लीटर का निकाल लेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा 9 लीटर का। तो यहाँ पे हम लोग 54 को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, और यहाँ पे लिखते हैं 5 लीटर ऑफ ऑयल कॉस्ट ₹37.50। तो फिर 1 लीटर, तो 1 में ले लेते हैं, 1 लीटर ऑफ ऑयल कॉस्ट इक्वल टू, ये जितना है 37.50/5 हो जाएगा, ये हो गया। अब जो है हमको 9 लीटर का निकालना है, तो ये हो गया 9 लीटर्स ऑफ ऑयल कॉस्ट इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा 37.50/5×9। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं, 37 यहाँ पे पॉइंट हटा दिए, बाय 5×9, और यहाँ पे आ जाएगा 100। पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए, ये हो गया। और इसको काट लेते हैं हम लोग, तो इसको काटते हैं, ये 5 से कट जाएगा, ये 5 हो गया, 5 7 जा 35, यहाँ पे 2 बच गया, तो 5 5 जा 25, और 0 का ये 0 रह गया, ये कट गया पूरा। और ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से फिर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 0 हो गया, 9 5 जा 45, 5 4 बच गया, और 9 7 जा 63 63, और 4 उससे 67 हो गया, 67। तो यहाँ पे आ जाएगा 67 6750, ये 9, ये 100 आ जाएगा, 100। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ पे बीच में आके पॉइंट बैठेगा, 2 जीरो है, तो इधर से 2 गिन के और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। इसका मतलब है कि इसका कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट इसका 67.50, इतना रुपीज़ हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 54। अब 55 पे आएंगे हम लोग, और इसमें क्या कह रहा है, कन्वर्ट इंटू मीटर्स एंड एड, इतना इतना और इतना, मतलब इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करना है और इसको जोड़ देना है। तो काफ़ी आसान है, इसको कर लेते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 38 मीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर
ये हो गया। तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 38.05, ये हो गया, ये मीटर हो गया। उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है 10 मीटर और 85 सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10.85 मीटर। उसके बाद थर्ड नंबर में दिया हुआ है 3 मीटर 27 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो इसका हो गया 3.27 मीटर। और इसको ऐड करने के लिए कहा गया है तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया प्लस, यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ 5 10 हो गया और 7 17 हो गया, तो ये 17 यहाँ पे मीटर हो जाएगा और 1 बच गया और यहाँ पे 10 1 11 हो गया, फिर 1 बचा हुआ है यहाँ पॉइंट हो गया और 11 यहाँ हो गया 11 और 1 12 हो गया 2, फिर 1 बचा हुआ है तो 4 और 1 5। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 52.17 मीटर, ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। और 56 नंबर में अब है अबाउट इतना मीटर क्लॉथ एट इतना रुपीज़ पर मीटर, मतलब एक मीटर का कीमत इतना है और वो एक मीटर से कम खरीदा, और हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, तो फिर उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा उसका। तो यहाँ पे एक मीटर से कम वो कपड़ा लिया है, इसका मतलब है कि 85 रुपीज़ से कम पैसा लगेगा इसको बनाने के लिए हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 56 क्वेश्चन नंबर, ये हो गया। और सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है इतना मीटर क्लॉथ दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, 0.75 मीटर इक्वल टू 0.75, तो ये 100 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.75 × 100, तो इक्वल टू हो जाएगा 75 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो गया। और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 85 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 85/100। फिर ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ये 100 की जगह पे यहाँ पे 75 सेंटीमीटर है, तो 75 सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर, और ये जो है यही लिखा जाएगा 85/100 × 75। तो हम इसको काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा, तो इसको 5 5 1 5 हो गया और यहाँ पे बच गया 3, तो 3 5 35 हो गया, तो 5 7 35 ये कट गया, और यहाँ पे 5 2 10, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा 20 बार में, ये कट गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको ये कट सकता है, इसको काट लेते हैं, तो 5 से 5 4 5 4 20, और यहाँ पे 5 5 1 5 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो 5 5 25, ये हो गया। और अब कटने वाला नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, 17 और 15, तो 17 15 इक्वल टू 17 × 15/4, ये हो गया। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा 17 15, तो यहाँ पे 255 इक्वल टू 255 हो गया, और इसको 4 से फिर डिवाइड करना होगा, तो 255/4, तो इसका मतलब है कि इसको डिवाइड जब करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 63.75, ये होगा रुपीज़, हो जाएगा रुपीज़, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 56 57 पे क्या कह रहा है, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम्स, ये ग्राम में दिया हुआ है, किलोग्राम में चेंज करना है, तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, काफ़ी आसान है, करके हम दिखाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 57 ये हो गया ए नंबर में, तो इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे 1 किलोग्राम में बनाना है, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, तो मेरे पास ग्राम कितना है 87 ग्राम इक्वल टू 87/1000, ये हो गया। इसका मतलब हो गया कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.087, पॉइंट के बाद यहाँ 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ 2 ही डिजिट है, तो इससे पहले हम 1 जीरो लगा दिए, तो इससे हो गया, इसके बाद 0 नहीं लगा सकते, अगर इसके बाद 0 लगाते तो उसका कोई वैल्यू नहीं बनता है, तो ये हो गया किलोग्राम बन गया, ये आंसर हो गया।
उसके बाद बी नंबर में इसी तरह से बी नंबर में हो जाएगा 9, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 ग्राम। फिर से इसको लिखते हैं, इसको लिखने से क्या होता है कि दिमाग में बैठ जाता है इतना केजी हो गया। तो इसको यहाँ पे मेरे पास है 9570 इतना ग्राम है, तो ये क्या हो जाएगा 9570/1000। 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो है, तो इसका मतलब है कि इधर से हम गिन के 3 डिजिट गिनने के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखते हैं और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब है कि 9.570 kg, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी, इसका यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सी, तो इसमें दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, ये हो गया। और हमारे पास है 365 ग्राम इक्वल टू 365/1000, तो यहाँ पे 3 डिजिट तो है ही, तो 0.365 ये हो गया केजी, ये आंसर हो जाएगा, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 58, ए बैग कॉन्टेंस इतना केजी इतना ग्राम वेट, इफ इतना केजी इतना ग्राम वेट इज सॉल्व, फाइंड द वेट ऑफ व्हीट लेफ्ट इन द बैग। अगर उसमें से इतना बेच दिया गया तो अब कितना बचा हुआ है, तो इसको कुछ करना नहीं है, इसमें माइनस करना है, तो सिंपली इसको माइनस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, केजी लिखते हैं, केजी, और एक लिखते हैं ग्राम, यहाँ पे 98 ये होगा माइनस, फिर 0 आ गया, और 15 में से 87 यहाँ पे 2 हो गया 2, और यहाँ पे हो गया 8 में से 3 तो 5 हो गया, और यहाँ पे 5, मतलब 55 kg, 55, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 55.270 kg, ये आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 59 पे चलेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 59, तो इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। इतना केजी टोमेटोज वायर डिवाइडेड इक्वली अमोंग 5 पर्सन, मतलब इतना केजी टमाटर है और इसको 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, फाइंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन, तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो मतलब डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया, तो इसको डिवाइड करना है, 5 पीपल है, 5 लोग हैं, और टमाटर का वजन है 3.690 इतना केजी है, तो इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ पे मान के चलना है कि पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे 3 लेते हैं, 3 छोटा है, इसका मतलब है शुरू में ही पॉइंट लग जाएगा, 0 पॉइंट लगा लेते हैं, और पॉइंट किधर से ले रहे हैं, तो ये दोनों हो गया 36 हो गया, तो 5 7 जा 35 होता है, 5 7 जा 35 ये हो गया, तो 1 बच गया, और यहाँ पे आ गया 9, तो 5 3 जा 15, क्योंकि 4 बार में 20 चला जाएगा, 5 3 जा 15, इसको माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा, और ये आ गया 0, 0 आ गया, तो 5 8 जा 40 होता है, ये हो गया 40, और ये पूरा पूरी कट गया, तो इसका मतलब है कि ये ग्राम में आया, पॉइंट के बाद है तो ग्राम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 738 ग्राम, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में यहाँ पे कन्वर्ट इनटू लीटर्स, इसको लीटर में चेंज करना है, मिली लीटर में दिया हुआ है और लीटर में जाना है, इसका मतलब है कि इसको 1000 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम बना के दिखा देते हैं, इसको जो है मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट में बनाकर दिखा देता हूँ, या फिर शॉर्ट में बनाना अच्छा नहीं रहेगा, तो आइए मैं आप लोगों को कम्प्लीटली डिटेल में बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, ए नंबर में कन्वर्ट करना है 59 ml, इसको चेंज करना है लीटर में, तो 1 ml इक्वल टू 1 ml इक्वल टू 1/1000 L लीटर हो गया, तो हमारे पास है 59 ml, तो ये 59/1000 हो जाएगा, तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए, तो यहाँ तो 3 डिजिट है नहीं, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 0.059 लीटर, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया। इसके बाद बी नंबर में उसी तरह से दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 736 ml, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ml इक्वल टू 1/1000 L, तो हमारे पास है 736
36 ml इक्वल टू 736 बाय 1000, तो पॉइंट के बाद थ्री डिजिट तो है यहाँ पे, तो 0.736 हो गया, ये लीटर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, सी नंबर में है 5082 ml, तो 1 ml इक्वल टू 1/1000 L, तो हमारे पास है इतना ml, तो क्या हो जाएगा 5082/1000 इक्वल टू, ये थ्री डिजिट के 1, 2, 3 मतलब यहाँ पे 5.082 L, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले इसको। ए बोतल कैन होल्ड 750 ml सिरप, मतलब एक बोतल में जो है इतना ml सिरप मतलब शरबत आ सकता है, कोई ड्रिंक है वो इतना आ सकता है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सिरप विल बी रिक्वायर्ड टू फिल सच 9 बोटल्स, तो इस तरह के 9 बोतल में कितने सिरप आ सकता है या कितने सिरप की आवश्यकता पड़ेगा। तो सिंपली इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग बना लेते हैं इसको। ये है 61 रिक्वायर्ड सिरप फॉर 1 बोतल, मतलब 1 बोतल को भरने के लिए इतना आवश्यक सिरप चाहिए, कितना चाहिए 750 ml, ये हो गया। उसके बाद इस तरह का 9 बोतल का, तो हो जाएगा क्या रिक्वायर्ड सिरप फॉर 9 बोटल्स, 9 बोटल्स इक्वल टू 9/9 × 750, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 6750, ये हो गया। और ये हो गया तो ये ml में हो गया, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं लीटर में 6 पॉइंट, तो ml को चेंज करने के लिए 1000 से करेंगे तो 3 जीरोस में रहता है, तो 3 के बाद तो यहाँ पॉइंट लगेगा, और 750 ये हो गया लीटर, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें 3 जार्स हैव इतना लीटर 5.100 लीटर वाटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए जार इफ ईच ऑफ देम कैन होल्ड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। एक जार 3 जार में इतना पानी लेता है, तो एक जार में कितना लेता है, मतलब इसको 3 से डिवाइड कर देने पर इसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम बना लेते हैं इसको। 62 थ्री जार्स हैव वाटर, 3 जार में कितना पानी है 5.100 ml, ये लीटर है, लीटर में दिया हुआ है, लीटर हो गया। तो 1 जार में 1 जार, इसको कैपेसिटी 1 जार कैपेसिटी के लिए इसको 3 से डिवाइड कर देंगे 5.100 / 3, तो इसको डिवाइड कर देने से हम लोग कितना मिल जाएगा 1.1700, ये इतना लीटर हो गया, यहाँ भी लीटर है तो इसमें इसका आंसर लीटर में आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है, जैसे कि 1600 मिनट्स इंटू आवर्स एंड मिनट्स, इसको 1600 मिनट को आवर्स और मिनट में चेंज करना है। इसी तरह का ईयर्स मंथ दिया हुआ है, डेज मंथ दिया हुआ है, और आवर्स मिनट फिर दिया हुआ है। तो आइए मैं आप लोगों को इसको चेंज कर कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लेते हैं 63 ए नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है मिनट से आवर्स में, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर्स, ये हो गया। तो हमारे पास मिनट कितना है 1600, तो ये 1600 मिनट इक्वल टू, तो इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं 1600/60। आपको मैंने पहले बताया है कि इसको काट के छोटा नहीं करना है, डायरेक्टली 60 से इसको डिवाइड करना है, अदरवाइज गलती होने की काफ़ी संभावना, गलती हो ही जाती है। तो इसको यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 60 और ये 1600, ये हो गया। तो यहाँ पे कितने बार में जाएगा, 2 ठो जाने वाला नहीं है, यहाँ 3 ठो जाएगा, तो 60 मतलब 20 हो गया, 6 × 2 = 12, तो 120 हो गया, 120 ये 0 हो गया, और यहाँ पे 4 और ये कट गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो 6×6=36 होता है, उससे आगे नहीं जाएगा, तो 6×6=36, फिर ये 0 हो गया, और यहाँ पे 0 और 10 में से 6, तो 4 हो गया, ये कट गया, तो ये हो गया आवर्स और ये हो गया मिनट्स। तो इसका मतलब है 26 hours 40 minutes, ये इसका आंसर हो गया।
ये जो है यहाँ पे बी नंबर में क्या दिया हुआ है, 3 ईयर्स, तो ईयर्स को चेंज करना है मंथ में, तो 1 ईयर इक्वल टू 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, और हमारे पास ईयर कितना है 3 और 9 मंथ ऑलरेडी है, तो उसको हम लोग बाद में जो है उसको प्लस कर देंगे, तो 3 ईयर्स इक्वल टू, तो इसको 3 × 12 कितना हो गया 36, तो 36 और हमारे पास पहले से 9 है, 36 हो गया यहाँ प्लस 9, ये हो गया 15 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, मतलब हो गया 45 मंथ्स, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, सी में क्वेश्चन है डेज को 520 डेज को मंथ में चेंज करना है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले दिखाएंगे यहाँ पे 1 डे इक्वल टू मंथ, मंथ में चेंज करना है तो 1/30 मंथ, ये हो गया, और हमारे पास कितना है डेज 520 डेज, तो ये हो जाएगा 520/30, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको हम लोग कर लेते हैं, इसमें काट कूट नहीं करना है, इसको 30 से 520 को करना है डिवाइड, तो यहाँ पे कितने बार में जाएगा, 2 बार में अगर जाते हैं तो 60 हो जाएगा, और यहाँ 52 है, तो 1 बार में जाते हैं 30 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 1 हो गया, और 2 हो गया यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 22 हो गया, तो इससे छोटा हो गया, यहाँ पे इतना बार लिया तो 3 × 7 = 21 होता है, यहाँ 22 है, तो 7 बार में जाएंगे हम लोग, 21 पे एक 0 लगा दिए, ये हो गया, और ये 0 फिर यहाँ 1 हो गया, और ये कट गया 10, मतलब ये आ गया मंथ आ गया, और ये डेज आ गया, तो इसका मतलब है कि 17 मंथ्स 10 डेज, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक लास्ट बचा हुआ है डी नंबर में, आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है, तो यहाँ पे ये हो गया डी, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो हमारे पास कितना है 5 आवर्स इक्वल टू, तो कितने मिनट हो जाएगा, तो ये 5 × 60, तो यहाँ पे ये हो गया इक्वल टू 300, तो पहले से यहाँ पे 8 मिनट दिया हुआ है, तो इसका हो गया 300 और पहले से दिया हुआ है 300 + 8 इक्वल टू 308 मिनट्स, ये हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, अब 64 में 8 दिया हुआ है, इसको जोड़ना है, और उसमें फिर ए नंबर में 2 8 दिया हुआ है, और बी नंबर में 2 सबट्रैक्ट दिया हुआ है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो हम लोग दूसरा पेज ले लेते हैं, पेज खत्म हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64, 8 दिया हुआ है, 64 का ए 1 नंबर है, आवर्स मिनट्स इस तरह से दिया हुआ है, तो आवर्स के लिए एक एच लिख देते हैं, एच हो गया, इसका मतलब आवर्स, और मिनट्स के लिए एम लिख देते हैं, ये मिनट्स हो गया, आवर्स में 18 दिया हुआ है, इसको करना है ऐड, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 60 से जो ज़्यादा होगा उसको, यहाँ पे 60 से जो ज़्यादा होगा तो यहाँ पे रखेंगे, और 60 जो इधर कर देंगे, तो यहाँ पे 8 9 17 हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 17 हो गया, और तो 1 बच गया, और 4 3 7 और 1 8 हो गया, 60 से ज़्यादा हो रहा है, इसमें से 60 माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया 7 हो गया, और ये 2 हो गया, तो 1 आवर इधर आ गया 1 आवर, और ये 27 यहाँ पे लिख देते हैं, 27 मिनट्स हो गया, और यहाँ पे 8 1 9 हो गया, 9 2 11 1, फिर 1 बच गया 2 और 1 3 हो गया, मतलब हो गया कि 31 आवर्स, ये हो गया 31 आवर्स 27 मिनट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, और इसी का 2 नंबर दिया हुआ है, तो इसमें डेज आवर्स दिया हुआ है, तो डेज के लिए हम लोग डी लिख देते हैं, डी से डेज हो गया, और आवर्स के लिए एच हो गया, तो डेज में दिया हुआ है, तो इसको करेंगे हम लोग प्लस, तो यहाँ पे डेज, इसका मतलब है कि यहाँ पे 24 से जो ज़्यादा आएगा तो उसको यहाँ रखेंगे, और 24 इधर कर देंगे, तो 24 आ रहा है, यहाँ पे आ गया
फाइव हो रहा है, टू थ्री फाइव, और यहाँ पे फोर हो रहा है, नहीं थ्री हो रहा है, 35, तो यहाँ पे 24 जो है माइनस कर देते हैं, तो यहाँ वन और यहाँ वन, 11 हो गया। तो इसमें वन डे जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आएगा वन, तो यहाँ पे सिक्स और वन, सेवन हो गया, और थ्री, टेन हो गया, जीरो और वन बच गया, ये हो गया थ्री। 30 days 11 hours करेक्ट दिया हुआ है, जिसको सब्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं बी नंबर में, बी का वन। क्वेश्चन नंबर बी का वन में सब्टेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ्रॉम जो लिखा हुआ है, तो फ्रॉम का मतलब है कि इससे, फ्रॉम मतलब होता है से, तो इससे इधर वाला जो है इससे इसको माइनस करना है, ये ऊपर में आएगा और ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे मिनट और सेकंड में दिया हुआ है, तो मिनट के लिए हम लोग एम लिख देते हैं एम, और सेकेंड के लिए एस लिख देते हैं, सेकेंड के लिए एस, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंगे तो 40 हो गया, और यहाँ पर हो गया 32, फिर 35, और यहाँ हो गया 48, फिर इसको करेंगे माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस होने वाला नहीं है, ये सेकंड जो है ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो यहाँ से एक मिनट लिए तो यहाँ 60 हो गया, 60 और 30, 90 और 292 हो गया, यहाँ पे 92, अब 92 में से माइनस करेंगे तो 12 हो गया, यहाँ 12 में से 8, 4, और यहाँ पे हो गया 8, 8 में से 4, 4, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 5, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया 3, मतलब ये ख़त्म हो गया, इतना ही रहेगा, तो इतना मिनट और 44, ये हो जाएगा सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका बी नंबर जो दिया हुआ है माइनस करने के लिए है, तो यहाँ बी नंबर, टू नंबर दिया हुआ है, तो टू नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, टू नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है 42 years 8 months फ्रॉम, यहाँ पे ईयर और मंथ्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग पहले ईयर के लिए वाई ले लेते हैं वाई, और मंथ के लिए ले लेते हैं एम, ये हो गया, इससे माइनस करना है 50, और ये हो गया 4, और यहाँ पे 42, 8, इसको करेंगे माइनस, तो यहाँ 4 में से 8 माइनस नहीं होने वाला है, तो यहाँ से वन ईयर ले लेते हैं, तो वन ईयर में कितने मंथ हो गए, 12 और 4, 16 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ 16 ले लेते हैं, तो 16 में से 8 चला गया, तो 8 बच जाएगा, और यहाँ पे वन माइनस हो गया था, तो यहाँ 9 हो गया, 2, तो यहाँ 7 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, तो ये तो कट गया, तो मतलब 7 years, ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया 64, 65, अब यहाँ पे 65 आ गया, 65, तो इसमें क्या करना है, तो 2 घंटा 45 मिनट बाद कितना बजेगा, तो इसको कुछ नहीं करना, ऐड कर देना है, तो यहाँ पे 3:30 में से 2 आवर ऐड कर देंगे, 2:45, ये हो गया प्लस, इसको प्लस करने के लिए यहाँ पे तो प्लस करेंगे, तो यहाँ 60 से ज़्यादा जाएगा, तो इधर हम लिख लेते हैं, पहले ये 5 हो गया, और ये 4 3 7 हो गया 75, तो 75 में से 60 अगर माइनस कर देते हैं 15 बचता है, तो यहाँ पे 15 कर देते हैं 15, और यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 5 और 1 6 हो गया, मतलब 6:15 PM, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 में फ्रॉम द गिवन फिगर नेम टू एक्यूट एंगल्स टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, तो एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से नीचे जो होता है, 0 और 90 के बीच में जो होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, और जो 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे इस पिक्चर को देखना है और इसको समझना है कि यहाँ पे एक्यूट एंगल कौन सा है, तो एक्यूट एंगल हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक्यूट एंगल हो गया ए बी ई, एक ये हो गया, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, और ये अगर लेते हैं तो ये संभवतः यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये राइट एंगल हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा डी बी सी इस तरह से, या सी बी डी इस तरह से ले सकते हैं, दोनों एक ही होता है। तो मैं आपको यहाँ पे ही लिख के दिखा देता हूँ, आपको दो एक्यूट एंगल लेना है, तो एक हो गया एंगल ई बी ए लिख सकते हैं, या फिर ए बी ई लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे ई बी ए, ई बी ए एक हो गया, और दूसरा एक्यूट एंगल ले लेते हैं, दूसरा एक्यूट एंगल यहाँ से हो जाएगा डी बी सी या सी बी डी, डी बी सी, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो एंगल बनता है, जहाँ पे कोण बनता है उसको बीच में रखना है, जो दिखाना, जैसे बी यहाँ पे दिखाएं, यहाँ से ऐसे दिखाएं तो बी हो गया, और यहाँ से ऐसे दिखाएं तो यहाँ बी हो गया, इसलिए बी बीच में है। अब ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से बड़ा, तो 90 डिग्री से बड़ा उसके लिए एंगल यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है,
ए बी डी ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, यहाँ से ये जो 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, ए बी डी ये हो गया। उसके बाद और यहाँ से ऐसे ई बी सी, एंगल ई बी सी ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। 67 नेम इच एंगल इन टू डिफरेंट वेज, दो तरह से इसका एंगल का नाम बतलाना, तो इसको दो तरह से लिखा जाता है। तो एक डायरेक्ट बतलाया जाता है इस तरह से, जैसे बी, बी में एंगल बन रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी ऐसे डायरेक्ट ये हो गया, या फिर इसको लिख सकते हैं, एक हो गया दो तरह से मांग रहा है तो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, तो बी जो है बीच में रहेगा, ए बी सी ये दो तरह से हो गया। इसको भी जहाँ यहाँ पे क्यू में एंगल बन रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ये हो गया, या फिर एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ये हो गया, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे उसी तरह से लिख सकते हैं एंगल वाई, या फिर लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड, ये दो तरह से ये कंप्लीट हो गया। 67, 68 में यहाँ पे आप लोग इसको प्रोटेक्टर लेकर खुद नाप सकते हैं और नाप के जितना आएगा उतना लिख देंगे, मेजर इच एंगल उसी से मापना है और इसका जितना भी आएगा, जितना डिग्री आएगा उसको लिख देना है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी प्रोटेक्टर नहीं है, मैं आप लोगों को अभी बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसको बनाने में दिक्कत होगा, मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको बना लेंगे, फिर भी अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमें बताएं, मैं आप लोगों को बनाकर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों के लिए थोड़ा भी मददगार होता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगले एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।